नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। 25 मई 2020 पड़ा सोमवार, करे है उपाय। चावल के 9 तांत्रिक टोटके जो तुरंत असर दिखाते हैं, आइए हम भी जान लेते हैं इनके बारे में। मैं आपको बताऊंगी आज बहुत ही महत्वपूर्ण टोटके जिन्हें आप अपने जीवन में अपना कर अपना जीवन बहुत ही सफल और सुखमय बना सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगी चावलों से जुड़े हुए कुछ ऐसे टोटके जिनका असर बहुत ही जल्द हो जाता है और बहुत ही शीघ्र फल प्राप्त भी होती है। आपकी जितनी भी परेशानियां हो, आर्थिक परेशानी हो या नौकरी से जुड़ी परेशानी हो या माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये उपाय जरूर करें और अपने जीवन में जरूर अपनाएं। और मैं आपको बताऊंगी भारतीय संस्कृति में चावल को अत्यधिक महत्व दिया गया है। चावल को पूर्णता का प्रतीक तथा देवताओं का प्रिय भोग माना गया है। केवल धर्म क्रम में ही नहीं बल्कि चावल का प्रयोग कई तरह के तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। चावल के कुछ आसान से ऐसे टोटके हैं जिन्हें आप कर अपनी सभी समस्याओं से पार उतर सकते हैं बहुत ही शीघ्र और बहुत ही जल्दी। आइए जानते हैं चावल के ही कुछ ऐसे ही आसान और तुरंत असर दिखाने वाले टोटकों के बारे में। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए व्यवसाय से या नौकरी प्राप्त करने के लिए सोमवार के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि से निर्वृत्त होकर के शिवलिंग में पूजा करें। पूजा में आप एक साथ आधा किलो या एक किलो चावल का ढेर लगाकर बैठ जाएं। इसके बाद शिवलिंग की यथासंभव विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बाकी बचे चावल या तो मंदिर में ही दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा लगातार 5 सोमवार तक करने से घर में अखंड लक्ष्मी का आगमन होता है। सभी परेशानियां, आर्थिक समस्याएं या व्यवसाय या नौकरी से जुड़ी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो शत्रुओं के लिए, अगर शत्रु बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगे और आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने ले लें। अब इन दोनों को मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें। आपको उस शत्रु से जरूर फायदा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा और वो आपके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाएगा और उनके मन में जो आपके प्रति शत्रु भावना है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और वो आपका मित्र बनने का प्रयास करेगा। अगर नौकरी नहीं मिल रही है या ऑफिस में समस्या है और आप इससे परेशान हैं, तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है कि कुछ दिनों तक आप मीठे चावल कौवे को जरूर खिलाएं। जल्द ही आपकी समस्या का बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है। मन चाहे जो आपकी मनोकामना है उसके लिए आपको चावल का टोटका मैं आपको बता रही हूँ। शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद एक चौकी पर कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। अब कलश में चावल, दुर्वा घास और 1 रुपए डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दें। इसके बाद इसके निकट चौमुखी दीपक चलाकर उसे कुमकुम और चावल से पूजा करें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना जो भी है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी आपने मनोकामना की है वो अवश्य पूर्ण करें। पितृदोष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे अवश्य दूर करें, ये बहुत ही जरूरत है। अमावस्या के दिन चावल की खीर बना करके उसमें रोटी चूर लें तथा उसे कौवों को खिलाने के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से घर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये आपको प्रत्येक अमावस्या करना है या अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। अपने पितरों के लिए आप एक दिन तो निकाल ही सकते हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार का पितृ दोष हो या उसका अशुभ असर हो तो वो भी समाप्त हो जाता है, साथ ही रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पितृ आपकी बहुत ही उपाय करते हैं। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, आपकी जो विपत्ति आने वाली है, उन सब कामों में पितृ आपकी पूरी मदद करते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा की अशुभता होती है तो वो भी दूर करता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बुरे प्रभाव दे रहा है तो चावल का ही उपयोग करें। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र का यह असर हो या किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव हो या इसकी वजह से चंद्रमा असर नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से एक मुट्ठी चावल विधि पूर्वक दान ले लेने चाहिए। इसे हमेशा के लिए
चंद्रमा की अशुभता दूर हो जाती है। मनचाही इच्छा पूरी करने और समस्त कष्टों से मुक्ति के लिए अगर इसके लिए आप सुबह किसी शुभ मुहूर्त या पूर्णिमा के दिन चावलों को केसर या हल्दी में रंग कर पीला कर लें, ध्यान रखें कि चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ ना रहे। अब इन चावलों को किसी मंदिर में जाकर भगवान को समर्पित कर दें और उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। जल्दी ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें आप किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में अथवा पूर्णिमा के दिन। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके निमित्त हो जाए, उसके बाद एक लाल कपड़े लेकर उसमें पीले चावल के 21 अखंडित यानी कोई भी दाना टूटा फूटा ना हो ऐसे दाने रख ले। चावल को पीला करने के लिए आप हल्दी या केसर का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन दोनों को कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक चौकी बनाएं और उस पर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपा कर रख लें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी मामलों में रुकावटें बहुत ही जल्दी दूर हो जाती हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे और अचूक उपाय हैं जिनसे बहुत ही शीघ्र आपको फायदा मिलने वाला है। आपको तुरंत ही इन चीजों को करना है, आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।